बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जवेरिया जवेद बट फ्रॉम एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बच्चे, मैं आपसे बायोलॉजी फेज फोर का पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ कैटेगरी बी एंड सी के लिए, ठीक है। तो उसमें चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 और चैप्टर नंबर 14 का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें 17 MCQs हैं टोटल और 17 मार्क्स का पेपर है ये और 20 मिनट्स का टाइम है आपके पास। तो फर्स्ट MCQ है, फैट्स एंड ऑयल्स हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अबाउट 0.8। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रिमेनिंग 3 ऑप्शंस इररेलेवेंट हैं। MCQ नंबर 2 है, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन हीमोग्लोबिन आर। ऑप्शन ए 574 करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ईच अल्फा चेन कंटेन 141 अमाइनो एसिड्स, ईच बीटा चेन कंटेन 146 अमाइनो एसिड्स। इनको हम ऐड करेंगे और टोटल मिला के 574 अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। MCQ नंबर 3 है, डैश इज़ नॉट अ टर्पिनॉइड, रबर, स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स, ये तीनों ही टर्पिनॉइड हैं जो कि आइसोप्रिनॉइड यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑप्शन डी जो है वैक्सिस, ये टर्पिनॉइड नहीं है। MCQ नंबर 4 है, एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज। ऑप्शन ए एपो एंजाइम करेक्ट है। MCQ नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी हॉलो एंजाइम, ये क्या होते हैं, इसमें बेसिकली एक्टिवेटेड एंजाइम है जिसमें कोफैक्टर और पॉलीपेप्टाइड चेन दोनों होती हैं। कोएंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच्ड होता है प्रोटीन के साथ और एक्टिवेटर क्या है, डिटैचेबल कोफैक्टर को बोलते हैं। MCQ नंबर 5 है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वही एंजाइम्स का होता है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन है। MCQ नंबर 6, गॉल्जी अपैरेटस इज कंसर्न विद सेल सिक्रीशंस। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 7, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसको ग्रीन कलर देती हैं, क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन और ल्यूकोप्लास्ट की वजह से कलरलेस होते हैं प्लांट्स, तो इसलिए ये प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। MCQ नंबर 8 है, मॉस्किटो इंजेक्ट्स प्लास्मोडियम टू ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ, तो ऑप्शन ए स्पोरोजॉइट्स करेक्ट है। मीरोजॉइट्स, गैमेटोसाइट, सिस्ट, ये सारे ही इररेलेवेंट हैं। MCQ नंबर 9 है, वन आर मोर स्मॉल डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियाई ऑफ सीलिएट्स फंक्शन इन, ऑप्शन सी सेक्सुअल प्रोसेस, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, तो एक्सक्रीशन भी इसका आंसर नहीं है। MCQ नंबर 10 है, लोअर स्टेटिन इज यूज टू कंट्रोल, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रोल। स्टेटिन्स जो होते हैं वो बेसिकली कोलेस्ट्रोल लेवल को ही कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। MCQ नंबर 11 है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इस लोअर स्टेटिन साइक्लोस्पोरिन पेनिसिलिन एर्गोटिन, तो ऑप्शन सी पेनिसिलिन है जो कि पेनिसिलियम न्यूटेटम से हासिल की जाती है। MCQ नंबर 12 है, इफ बाइल पिगमेंट्स आर एक्युमुलेटेड इन ब्लड कंडीशन इज नाउन एज गॉल स्टोन, जॉन्डिस, पायरोसिस, हंगर पैंग, तो ऑप्शन बी जॉन्डिस जो है इसका करेक्ट आंसर है। गॉल स्टोन जो है कोलेस्ट्रोल की प्रेसिपिटेशन की वजह से होती है और पायरोसिस जो है ये इसको हार्टबर्न भी बोलते हैं जो कि एसिडिक काइम की बैक फ्लश की वजह से होती है, और इसके अलावा है हंगर पैंग्स जो कि लो ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से हैं, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये बेसिकली। इसके बाद है MCQ नंबर 13, इमल्सिफिकेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ बाइल, ठीक है ये इसका करेक्ट आंसर है। लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीज, ये करेक्ट नहीं है। लाइपेज जो है ये फैट्स डाइजेस्टिंग एंजाइम है, एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और प्रोटीज जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद MCQ नंबर 14 है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मसल्स, तो मसल्स में मायोग्लोबिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन ब्लड में होती है, ठीक है। ग्लोबुलिन वैसे ही प्रोटीन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 15 है, स्पाइरिकल्स आर फाउंड इन, ऑप्शन बी कॉकरोच, जो कि 10 पेयर्स पाए जाते हैं, 2 पेयर्स थॉरेक्स में और 8 पेयर्स जो हैं वो एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। MCQ नंबर 16, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, लैंड, तो ऑप्शन बी एंडोडर्मिस इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एपोप्लास्ट पाथवे एंडोडर्मिस में इसी वजह से ही डिसकॉन्टीन्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। MCQ नंबर 17 है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्लास्मोलाइसिस। डी प्लास्मोलाइसिस में तो एंडोस्मोसिस होती है, और ब्लीडिंग में तो प्लांट्स के पार्ट को कट या प्रून किया जाए तो फ्लो ऑफ सैप होता है, और रोटेशन जो है ये भी इररेलेवेंट आंसर है इसका।